हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून वेलकम टू एनसीईआरटी लाइव इंट्रैक्शन दिस इज सिमरन सिंह यू ऑल आर वाचिंग अस ऑन पीएम ई विद्या चैनल नंबर 10 और यू माइट आल्सो कनेक्ट विद अस थ्रू आवर यूट्यूब चैनल दैट यू ऑल आर वेल अवेयर ऑफ इट इज एनसीईआरटी ऑफिशियल नाउ एज इट्स अराउंड 2 PM ऑन योर वॉच हेयर इज आर स्पेशल सेशन फॉर यू विच इज फॉर सोशल साइंस The session is for half an hour. It will run till 2:30. In case if you want to watch our session, we also have our YouTube channel that is NCRT Official. And in today's session of social science, we will discuss about money and credit part 2. Well, this means that this particular session is in continuation of a session that has been conducted before. If you haven't watched that session, then you don't have to worry. It is already available on NCRT Official. And to make this particular topic, money and credit part 2, more easy for you, we have with us an expert. Let me introduce him to you. We have with us Shri Shankar Prasad Sa. Namaskar, sir. Namaskar. Welcome to NCRT. Welcome for this session. Sir is a PGT Economics and currently serving at Kendriya Vidyalaya number 2, Kolaba, has joined in from Mumbai region. Viewers, if you have any of the questions, you can always reach out to us at our contact number that is there on your screens. You may give us a call at 8800-440-559. Besides, this particular session is running on PME with your channel number 10. Here is our mail ID. You may write to us at dth.class10@ciet.nic.in. जी शंकर सर वी वुड लव टू हियर मोर फ्रॉम यू एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लेट अस नो मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन एंड लेट अस स्टार्ट विद द पार्ट वन दैट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस ओके मैडम फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कन्वे माय लव एंड अफेक्शन टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ पीएमई विद्या चैनल बच्चों मनी एंड क्रेडिट पार्ट वन के अंतर्गत हम लोगों ने मनी फंक्शंस ऑफ मनी टाइप्स ऑफ मनी पर विस्तार से चर्चा की थी मनी क्या है मुद्रा किसे कहते हैं मनी इज एनीथिंग और एवरीथिंग व्हिच इज एक्सेप्टेड बाय द जनरल पब्लिक एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज ए मेजर ऑफ वैल्यू एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू एंड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट जैसा इसका डिफिनेशन है डिफिनेशन के आधार पर दिस इज द फंक्शनल डिफिनेशन ऑफ मनी और इसके आधार पर हम लोगों ने चार डिफिनेशंस ये फंक्शंस फाइंड आउट किया था मुद्रा का और वो था कि मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी इज ए मेजर ऑफ वैल्यू मनी इज ए स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मनी इज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट और उसी प्रकार से मुद्रा के दो प्रकार मैंने बताया था वो फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी मनी ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ द लैंड इज नॉन एज फिएट मनी जैसे पेपर करेंसी और क्वाइंस होता है और उसी प्रकार से फिड्यूशियरी मनी के बारे में हमने कहा था कि मनी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन पेई एंड पेयर्स दैट इज नॉन एज द फिड्यूशियरी मनी और चेक ड्राफ्ट इसके अंतर्गत आता है अब मनी एंड क्रेडिट पार्ट 2 इसके अंतर्गत हम मेन फोकस पॉइंट रखेंगे क्रेडिट व्हाट इज क्रेडिट व्हाट आर द नीड्स ऑफ द क्रेडिट व्हाट आर द टर्म्स ऑफ द क्रेडिट एंड व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ क्रेडिट इस पर हम विस्तार से आज चर्चा करने वाले हैं बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रेडिट किसे कहते हैं द वर्ड क्रेडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड द क्रेडियर द मीनिंग ऑफ क्रेडियर इज टू ट्रस्ट इन ट्रस्ट बिलिंग इसका मतलब है कि क्रेडिट एक विश्वास है किसके बीच में लेंडर और बोरोवर के बीच में जब ये विश्वास इस्टेब्लिश हो जाता है तभी लेंडर बोरोवर को क्रेडिट देने के लिए तैयार हो जाता है इस आधार पर अगर हम एप्रोप्रिएट डिफिनेशन क्रेडिट का हम देना चाहें तो वी कैन से क्रेडिट इज द फाइनेंस मेड अवेलेबल बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी ऑन ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट या हम यूं कहें कि क्रेडिट इज एन एग्रीमेंट इन विच The lender supplies the borrower with money, goods and services in return for the promise of future payment with interest. The word credit was first used in 1520s. 1520 ईस्वी में इस क्रेडिट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था अब हम देखेंगे कौन कौन सी शर्तें हैं वो कौन कौन सी शर्तें हैं जिस पर कि क्रेडिट निर्भर करता है जिन शर्तों को फुलफिल करने के बाद ही लेंडर क्रेडिट बोरोवर को देता है वह है रेट ऑफ इंटरेस्ट कोलेटरल डॉक्यूमेंटेशन मोड ऑफ रीपेमेंट
क्रेडिट देने के पहले लेंडर और बोरोवर के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट तय हो जाती है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्रेडिट दिया जाएगा ये पहले ही तय हो जाती है। उसके बाद लेंडर बोरोवर से कोलेटरल का डिमांड करता है, बोरोवर को कुछ जमानत के तौर पर जमा करना पड़ता है लेंडर के पास में, जैसे LIC के पेपर, NSE के पेपर, या फिक्स डिपॉजिट या डिपॉजिट इन द बैंक, इसके पेपर जमा करने पड़ते हैं। यहाँ तक कि घर मकान जमीन के अगर पेपर हैं, डीड हैं, उनको जमा करना पड़ता है। और उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन, इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे ड्यूली फिल्ड फॉर्म और आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वगैरह। क्रेडिट देने के पहले लेंडर और बोरोवर के बीच में ये भी तय हो जाती है कि व्हाट विल बी द मोड ऑफ रीपेमेंट, हम कितने इंस्टॉलमेंट में इसे हम रीपेमेंट करेंगे और इसका मोड क्या होगा, ये भी तय कर ली जाती है। अब हम देखेंगे इसमें कि कोलेटरल कहते किसे हैं। कोलेटरल इज नथिंग, इट इज एन एसेट यूज टू सिक्योर ए लोन। एक लेंडर अपने लोन अमाउंट को सिक्योर करने के लिए कोलेटरल का डिमांड करता है, इसलिए इसको हम डिफाइन इस ढंग से कर सकते हैं कि कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोअर ओन्स सच एज बिल्डिंग, व्हीकल, डिपॉजिट्स विद बैंक एक्सेट्रा, एंड यूजेस दिस एज ए गारंटी टू ए लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड। अगर किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में बोरोअर लोन अमाउंट को वापस करने में असमर्थ होता है, ऐसी स्थिति में लेंडर को यह राइट होता है कि वो उसके पास जो कोलेटरल जमा है उसको यूज करके वो अपना लोन अमाउंट वापस ले ले। नीड ऑफ क्रेडिट, आखिर में क्रेडिट की आवश्यकता किसे होती है और क्यों होती है। क्रेडिट की आवश्यकता रूरल एरिया में भी होता है और अर्बन एरिया में भी होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहने वाले गरीब किसान, लैंडलेस फार्मर वगैरह सबको क्रेडिट की आवश्यकता होती है, और शहरी क्षेत्र में भी होती है। दोनों के आधार बदल जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, और इनसे संबंधित जो खर्चे होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए, उनको मीट करने के लिए क्रेडिट की आवश्यकता होती है, जैसे परचेज ऑफ सीड्स, परचेज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट्स, इन सब चीज़ों पर खर्चा होती है, इरीगेशन पर खर्चे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर खर्चा होता है। इन सब खर्चा को पूरा करने के लिए गरीब किसान को क्रेडिट की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि केवल रूरल एरिया में ही क्रेडिट की आवश्यकता महसूस की जाती है, अर्बन एरिया में भी रहने वाले क्रेडिट की आवश्यकता महसूस करते हैं। यहाँ पर जो मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर रनिंग बिजनेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, परचेज ऑफ व्हीकल एंड परचेज ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स, इसके लिए यहाँ के लोग, अर्बन एरिया के लोग भी क्रेडिट की महसूस करते हैं, उनकी आवश्यकता महसूस करते हैं। कमिंग टू सोर्सेस ऑफ क्रेडिट, आखिर में कौन कौन से ऐसे स्रोत होते हैं जहाँ से हम क्रेडिट प्राप्त करना चाहते हैं, तो सोर्सेस को दो भागों में बांटा गया है। एक है फॉर्मल सोर्सेस, जिसको कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस भी कहा जाता है। दीज इंक्लूड दोज रिसोर्सेज व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और RBI, और इसके अंतर्गत एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉल अंडर दिस कैटेगरी। सेकेंड सोर्सेस है, वह है इनफॉर्मल सोर्सेस, दीज इंक्लूड दोज रिसोर्सेज व्हिच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, और इसके अंतर्गत मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स आते हैं, यहाँ से रिसोर्स क्रेडिट प्राप्त किया जा सकता है। दोनों के बीच में अगर अंतर को हम देखें तो बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाता है फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज का। फॉर्मल सोर्सेज में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी लो होता है, जबकि इनफॉर्मल सोर्सेज में रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी हाई होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि फॉर्मल सोर्सेज में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम वसूला जाता है, लिया जाता है, चार्ज किया जाता है, लेकिन इनफॉर्मल सोर्सेज में रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली बेसिस पर भी लिया जाता है। फॉर्मल सोर्सेज वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू RBI, एंड इनफॉर्मल सोर्सेज डू नॉट वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट। जो क्रेडिट अमाउंट होता है, लोन अमाउंट होता है, कभी कभी अगर वापस नहीं किया कर पा रहे हैं बोरोवर्स,
ऐसी स्थिति में फॉर्मल सोर्सेस में लीगल मीन्स अपनाए जाते हैं उनको मनी को बैक करने के लिए, बैक लेने के लिए, लेकिन इनफॉर्मल सोर्सेस में यह अनफेयर मीन्स भी अपनाया जाता है। हम हिंदी फिल्म में या टेलीविज़न के सीरियल में समाज के ऐसे रूप को देखने को हमको मिलता है कि अगर कोई ज़मींदार से लोन लिए हुए हैं तो ज़मींदार का लोन अमाउंट अगर वो बेचारा बॉरोअर वापस नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में वो अत्याचार करते हैं, मारपीट करते हैं उनके साथ, जो कि सही नहीं है। और एग्जांपल के तौर पर तो मैंने बता ही दिया कि फॉर्मल सोर्सेज के अंतर्गत हम कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ले सकते हैं, और इनफॉर्मल सोर्सेज के अंतर्गत लैंड लॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आते हैं। सर, इससे पहले कि इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, छोटा सा सवाल है। आपने हमें सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के बारे में बताया, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इट इज़ ऑफन सेड दैट देयर इज़ अ नीड टू एक्सटेंड फॉर्मल सोर्सेज इन अ कंट्री, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए मैडम कि फॉर्मल सोर्सेज पर चीप क्रेडिट अवेलेबल होता है, लो इंटरेस्ट रेट लो होता है, और ऐसा इंटरेस्ट। और दूसरी बात ये जो मैंने बताया कि उनके जो मनी बैक के जो पॉलिसी होते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, आरबीआई के अंडर कंट्रोल सुपरविजन में ये काम करती है, इसलिए इलीगल तरीका ये नहीं अपनाते, बॉरोअर को परेशान नहीं करते, बॉरोअर को तंग नहीं करते, और सिर्फ रेट पर वह क्रेडिट अवेलेबल करवाते हैं। इसलिए फॉर्मल सोर्सेस को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सो सर, कुड वी से दैट फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट आर बेटर देन इनफॉर्मल वंस? Yes, obviously. All right, sir. We may proceed ahead. Yeah. Sources of credit, ये जो pie diagram आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं, इस pie diagram के माध्यम से हम ये जानने को कोशिश करेंगे कि rural households in India आखिर में किस sources पर depend करता है। तो हम देख रहे हैं कि मनी लेंडर्स 30% सबसे ज़्यादा शेयर मनी लेंडर का है, जितने लोन अमाउंट लिए जाते हैं रूरल हाउस होल्ड के द्वारा वो मनी लेंडर से 30% ज़्यादा लिए जाते हैं, जबकि कमर्शियल बैंक से ओनली 25% और कोऑपरेटिव से 27%, लेकिन उधर ट्रेडर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ट्रेडर्स से 3%, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स 7%, अदर सोर्सेज 7%, लैंड लॉर्ड्स 1%। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आज के डेट में भी जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं भारत के, वह इनफॉर्मल सोर्सेज पर अधिक डिपेंडेंट हैं। उसका कारण यह है कि कोलेट्रल का अभाव, जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनके पास कोलेट्रल के लिए, जमानत के तौर पर रखने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। उनके पास ना तो LIC होते हैं, ना तो उनके पास NSC होता है, ना तो फिक्स डिपॉजिट होता है, तो बेचारे कोलेट्रल के अभाव में वो इनफॉर्मल सोर्सेज के तरफ आकर्षित होते हैं। साथ ही साथ बैंक के उतनी इकाइयां अभी तक भी हमारे देश में नहीं है कि गांव के कोने कोने में बैंक अवेलेबल हो, उनकी शाखाएँ अवेलेबल हो। गरीब व्यक्ति जो हैं रूरल एरिया के, वो थोड़ा सा अनपढ़ होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं, इसके कारण भी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लोन लेने में उन्हें कठिनाई होती है। इन सब कारणों से ये निर्भर करते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज पर। इस स्लाइड के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज से कितने परसेंट लोन लिए जाते हैं अर्बन एरिया में। तो अर्बन हाउस होल्ड में जो गरीब व्यक्ति हैं, पुअर हाउस होल्ड, आप देखिए कि पूरा हाउस होल्ड में 85% लोन अमाउंट, जो लोन अमाउंट है उसका 85% वो इनफॉर्मल सोर्सेज से प्राप्त किए जाते हैं, ओनली 15% फॉर्मल सोर्सेज से प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जिनके पास कुछ एसेट है, वह कोलेट्रल के रूप में वास्तव में बैंक के पास जमा कर सकता है, वह इंस्टीट्यूशनल लोन के लिए कोलेट्रल जमा कर सकते हैं, तो उनकी निर्भरता जो है इनफॉर्मल सोर्सेज पर कम हो जाती है। 85% से वो घटकर 53% हो जाता है, 15% से बढ़कर फॉर्मल सोर्सेज का 47% हो जाता है। और उसी प्रकार से वेल ऑफ हाउस होल्ड का अगर हम देखें तो ये निर्भरता और कम हो जाती है फॉर्मल सोर्सेज पर, 28% केवल निर्भर रहते हैं उस पर और 72% फॉर्मल सेक्टर पर। और रिच हाउस होल्ड के बारे में अगर हम देखें, जिसके पास की पर्याप्त कोलेट्रल है, वह कुछ भी, जमीन का पेपर, घर का पेपर, मकान का पेपर, व्हीकिल्स, उनके पास जो LIC, बैंक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, ये सब अवेलेबल होते हैं, इसलिए वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लोन ज़्यादा प्रेफर करते हैं और 90% फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं और ओनली 10% वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन प्राप्त करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि बैंक के पास अमाउंट कहाँ से आता है जो कि वो लोन के रूप में या क्रेडिट के रूप में प्रदान करता है, तो वो है डिमांड डिपॉजिट। ये डिमांड डिपॉजिट क्या होता है
और क्यों व्यक्ति बैंक में मनी डिपॉजिट करते हैं? अपने ही देश के नागरिक जिसके पास सरप्लस अमाउंट है वह अपने सरप्लस अमाउंट को बैंक में जमा करते हैं, और ये जो बैंक में जमा करते हैं उसको ऑन डिमांड कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है, इसलिए इसे डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट्स व्हिच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड आर नॉन एज डिमांड डिपॉजिट्स। अब इनके एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों जमा करते हैं हम बैंक में? तो हम मानते हैं ऐसा कि बैंक इज ए सेफर प्लेस टू कीप मनी, और जो भी मनी हम बैंक में जमा करते हैं डिपॉजिट करते हैं उस पर कुछ इंटरेस्ट भी बैंक हमें देती है, साथ ही साथ इजीली हम पेमेंट कर सकते हैं चेक के द्वारा, एटीएम के द्वारा, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के द्वारा हम पेमेंट भी कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं अपने अमाउंट को ऑन डिमांड, इसलिए हम बैंक में जमा करते हैं। और बैंक में जो जमा राशि है वही मेन बैंक के पास राशि है जो कि जिससे कि वो क्रेडिट एक्सटेंड करते हैं। कॉमर्शियल बैंक, ये कॉमर्शियल बैंक की जो परिभाषा है वह परिभाषा एक्चुअली उनके फंक्शंस पर आधारित है, और फंक्शंस को अगर हम जान लेंगे तो उनकी परिभाषा अपने आप हम लिख लेंगे। कॉमर्शियल बैंक के मेन फंक्शंस हैं, तो फंक्शंस बहुत, लेकिन मेन फंक्शंस क्या हैं? एक्सेप्ट डिपॉजिट और एक्सटेंड लोन, इन दोनों के बीच का उद्देश्य क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉमर्शियल बैंक का अगर डिफिनेशन, अप्रोप्रिएट डिफिनेशन हम देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड एक्सटेंड लोन्स विद द सोल पर्पस टू अर्न प्रॉफिट। ये जो डिपॉजिट पर हम इंटरेस्ट देते हैं और लोन पर जो इंटरेस्ट लेते हैं, बैंक डिपॉजिट पर अपने डिपॉजिटर को जो डिपॉजिट पर वो जो इंटरेस्ट रेट देती है और बॉरोअर से जो इंटरेस्ट वसूलती है, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही बैंक का इनकम है और इससे वो प्रॉफिट कमाती हैं। अब कितने प्रकार के डिपॉजिट्स होते हैं जिसको कि पब्लिक से कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करते हैं? पहला होता है करेंट अकाउंट डिपॉजिट। ये करेंट अकाउंट डिपॉजिट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज द डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट किसको कहते हैं? अभी मैंने कहा था कि जो विड्रॉ कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड और जिसको कि चेक के द्वारा हम पेमेंट कर सकते हैं उसको हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। करेंट अकाउंट डिपॉजिट में पेबल ऑन डिमांड, ये पेबल ऑन डिमांड है इसलिए डिमांड डिपॉजिट है। दूसरी बात है ड्रॉन बाय चेक विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, ये ध्यान देने वाली बात है। करेंट अकाउंट में ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते कि एक दिन में इतने ट्रांजेक्शन्स ही कर सकते हैं, टू ट्रांजेक्शन, थ्री ट्रांजेक्शन, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता। करेंट अकाउंट में जितने बार चाहें उतने बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। चूँकि इसमें फ्रीक्वेंटली ट्रांजेक्शन होता है इसलिए बैंक इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं करती, किसी प्रकार का इंटरेस्ट पे नहीं करती है बैंक करेंट अकाउंट पर। उसके बाद है फिक्स टर्म डिपॉजिट। ये फिक्स टर्म डिपॉजिट को टाइम डिपॉजिट कहा जाता है। इसमें जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम होता है, 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर 6 मंथ, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हम अपने अमाउंट को बैंक में जमा कर देते हैं। ये नॉट पेबल ऑन डिमांड, इसको डिमांड पर पेबल नहीं किया जाता है और चेकिंग फैसिलिटी इसमें नहीं होती है, इसलिए इसमें इंटरेस्ट रेट तो ज़्यादा देती है बैंक, लेकिन ये टाइम डिपॉजिट है, ये मनी के रूप में इसको हम यूज नहीं कर सकते। डिमांड डिपॉजिट कंसिडर्ड एज ए मनी बिकॉज डिमांड डिपॉजिट एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेकिन टाइम डिपॉजिट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए मनी। थर्ड है सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट। ये सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट में करेंट अकाउंट और फिक्स अकाउंट डिपॉजिट दोनों के फीचर्स पाए जाते हैं, और सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट भी डिमांड डिपॉजिट कहलाते हैं, और क्योंकि ये पेबल ऑन डिमांड है और इसमें चेक फैसिलिटी है, लेकिन इसके साथ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस हैं। इसमें हम जितना बार चाहें उतना बार हम ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, इसमें लिमिटेशन इज देयर, 2 ट्रांजेक्शन 3 ट्रांजेक्शन एज पर डिक्लेयर बाय द बैंक कॉमर्शियल बैंक, और इस पर भी इंटरेस्ट दिए जाते हैं, लेकिन ये इंटरेस्ट कम होते हैं फिक्स डिपॉजिट के तुलना में, उसके कंपैरिजन में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट का कम होता है। अब हम लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक के बारे में जानेंगे कि आखिर में बैंक के पास जो मनी आता है, जो डिपॉजिट होता है, वो डिपॉजिट मनी को वो क्रेडिट के रूप में दे देते हैं, तो फिर वो डे टू डे जो डिपॉजिटर्स के नीड हैं उसको कैसे फुलफिल करते हैं, उसको कैसे मीट करते हैं? तो जो भी उसके पास कैश डिपॉजिट होता है बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास, वो अपना डिपॉजिट का 15% वो डिपॉजिट अपने ही पास रख लेते हैं, 15% ऑफ कैश डिपॉजिट टू मीट द नीड्स ऑफ द डिपॉजिटर्स।
और बाकी बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन, वो अधिक से अधिक लोन एक्सटेंड करने में लगा देते हैं और बैंक चार्ज ए हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। ये तो मैंने पहले भी कहा कि जो डिपॉजिट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो कम होता है जबकि लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, और ये दोनों का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोअर्स एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर्स इज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ द बैंक। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये बैंक एक्टिविटी करती है और बैंक के पास पैसा आता है और बैंक इस प्रकार से क्रेडिट देती है। अब हम सेंट्रल बैंक के बारे में जानना चाहेंगे कि सेंट्रल बैंक क्या होता है और इसकी स्थापना कब हुई, कब से ये काम करना फंक्शन में आया। सर, इससे पहले कि हम सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के बारे में डिस्कस करें, एक छोटा सा सवाल है हमारा। जैसे आपने हमें अलग अलग बैंक्स के बारे में बताया, ऑल्सो अबाउट द टाइप्स ऑफ बैंक्स, तो हमारा सवाल ये है कि कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे LIC, IDBI और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, कुड दे बी ट्रीटेड एज बैंक्स? मैडम, ऐसा है कि चाहे वो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक हो या LIC हो या IDBI हो, निर्भर करता है बैंक के फंक्शन पर। ये बैंक का फंक्शन कितना हद तक वो पूरा कर पाते हैं उसके आधार पर ही हम इसे बैंक का ट्रीट करेंगे। लेकिन जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, इसका काम क्या है, ये डिपॉजिट तो एक्सेप्ट करता है लेकिन ये लोन प्रोवाइड नहीं करता। अब देखिए, बैंक के मैंने बताया था कमर्शियल बैंक के दो मेन फंक्शंस हैं, वो है एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड एक्सटेंड लोन। तो एक फंक्शन तो वो फुलफिल कर रहा है बैंक का, लेकिन दूसरा फंक्शन जो एक्सटेंडिंग लोन है ये वो नहीं कर पाता, क्रेडिट नहीं दे पाता, इसलिए हम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक को बैंक का दर्जा नहीं दे सकते। उसी प्रकार से LIC और IDBI ये एडवांस लोन तो करता है जनता को, अपने अकाउंट होल्डर को, पॉलिसी होल्डर को वो लोन तो देती है, लेकिन वह चेकेबल डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती। वह डे टू डे जो डिपॉजिट होता है जिसको हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं वह एक्सेप्ट नहीं करती है LIC और IDBI बैंक, इसलिए इसको भी हम बैंक के रूप में ट्रीट नहीं कर सकते। जी सर। कमिंग टू मैडम सेंट्रल बैंक। या सर, श्योर। इन इंडिया RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नॉन एज ए सेंट्रल बैंक। इसका डिफिनेशन अगर हम देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इट इज द प्रिंसिपल बैंकिंग मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्री विच हैज द मोनोपोली पावर टू इशू नोट। RBI वॉज सेटअप एंड बिकम ऑपरेशन ऑन 1 अप्रैल 1935 ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। और अभी प्रेजेंट में सेंट्रल बैंक या RBI के गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास जी और डिप्टी गवर्नर हैं श्री पी रवि शंकर जी। ये दोनों के बीच में अगर डिफरेंस हम देखना चाहें सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में, और चूंकि ये डिफरेंस इसलिए जान लेना होता है कि इससे संबंधित कई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये डिफरेंसेस अगर हम जान लेंगे अच्छे से तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बारे में। तो ये जो डिफरेंसेस है, सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द मॉनेटरी मार्केट, ये सबसे टॉप पर है। और कमर्शियल बैंक इट इज मेरली ए यूनिट ऑफ द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, ये केवल एक यूनिट है बैंकिंग सिस्टम का हमारे कंट्री का। उसी प्रकार से सेंट्रल बैंक, ये कंट्री हैज ओनली वन सेंट्रल बैंक, इंटायर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, जबकि कमर्शियल बैंक, ए कंट्री हैज ए लार्ज नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक इज ऑन और कंट्रोल्ड और गवर्न बाय द गवर्नमेंट। कमर्शियल बैंक मे बी ऑन और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट इंटरप्रेन्योर। जो सेंट्रल बैंक के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसका प्रॉफिट मेकिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव नहीं होता, वो बात अलग है कि सेंट्रल बैंक भी ह्यूज अमाउंट में प्रॉफिट कमाते हैं, वो कैसे प्रॉफिट उनके पास आ जाता है, तो बैंक रेट और रेपो रेट के माध्यम से वो भी प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन उनका मेन उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। बैंक, चूंकि हम जानते हैं कि सेंट्रल बैंक इज ए बैंकर्स टू द बैंक या सेंट्रल बैंक इज ए बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, तो ये बैंकर्स टू द बैंक है चूंकि कमर्शियल बैंक वहीं से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड लेती है, क्रेडिट लेती है, और उस क्रेडिट पर वो बैंक रेट के रूप में और रेपो रेट के रूप में
वो इंटरेस्ट पे करती है सेंट्रल बैंक को, इससे सेंट्रल बैंक के पास भी प्रॉफिट अच्छी अमाउंट में आ जाती है, लेकिन उसका मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता। लेकिन कॉमर्शियल बैंक का तो मेन उद्देश्य ही होता है, मेन मोटो ही होता है टू अर्न प्रॉफिट। सेंट्रल बैंक डज नॉट डील विद जनरल पब्लिक, कॉमर्शियल बैंक डील विद जनरल पब्लिक। और सेंट्रल बैंक एक ऐसा बैंक है जिसके पास मोनोपोली पावर है, सेंट्रल बैंक हैज मोनोपोली पावर टू इशू द करेंसी, पेपर करेंसी। कॉमर्शियल बैंक हैज डू नॉट हैव सच पावर टू इशू द करेंसी। और सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स क्रेडिट, कॉमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट। दोनों के बीच में ये बेसिक डिफरेंस है। और कैसे क्रिएट करता है क्रेडिट और कैसे कंट्रोल करता है क्रेडिट, वो एक अलग विषय है, उसको उस पर अगर चाहें तो हम कर सकते हैं। मैडम ओके ओके नो प्रॉब्लम मैडम। सम अदर फॉर्मल सोर्सेज फॉर रूरल क्रेडिट, ये जो हम लोग कॉमर्शियल बैंक को देखा, कॉमर्शियल बैंक के अलावे भी बहुत सारे हैं, नाबार्ड है, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, ग्रामीण बैंक है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, बहुत सारे हैं जो कि फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं और वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट वो प्रदान करते हैं। लेकिन इसमें मुख्य रूप से ये SSG और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ये 10th क्लास के लेवल में इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया गया है जिससे बच्चों को जानकारी मिल सके। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इन 1904, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट वॉज एडॉप्टेड एंड क्रेडिट वॉज इट्स मेन फंक्शन। इट प्रोवाइड्स एडिक्वेट क्रेडिट सपोर्ट टू एरिया कवर्ड बाय स्पेशल प्रोग्राम, गवर्नमेंट का जो स्पेशल प्रोग्राम चलता है उसको कवर करने के लिए, वहाँ पर क्रेडिट देने के लिए कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी 1904 ईस्वी में इसे इस एक्ट को अडॉप्ट किया गया। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इसमें 15 से 20 मेंबर होते हैं, गांव के ही एक ही गांव के मेंबर होते हैं, खासकर इसमें महिलाएं होते हैं। महिलाओं को वित्तीय तौर पर सेल्फ ये रिलायंट बनाने के लिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया है। करीब 7 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे कंट्री में काम करता है मैडम। थैंक यू मैडम। थैंक यू।